दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडोरो टेक्निकल चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एप्पल आईपैड मिनी 5 का फुल रिव्यू। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके फीचर के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में और भी सभी थिंग। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ से। इसका एक टॉप वेरियंट जो की 256 GB के साथ आता है, उसका प्राइसिंग एप्पल ने रखा है 59,900 रुपीज। और जो एक बेस वेरिएंट है जो 64 GB के साथ आता है, उसको एप्पल ने रखा है 34,900 रुपीज। प्राइस के हिसाब में तो कोई कमी नहीं है और ना ही ज्यादा है। अब इसके डिटेल के बारे में जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका डिस्प्ले 7.9 इंच का है, और साथ ही साथ अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो है। और अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें रिजोल्यूशन लगा हुआ है 1536x2048, जो कि स्क्रीन जिसका बहुत ही बड़ा है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख ही रहे होंगे। अब आते हैं इसके चार्जर की तरफ, जिसमें 10 वाट का बड़ा चार्जर होने वाला है, जो कि iPad mini 5 को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। अब आते हैं इसके कनेक्टिविटी को लेकर, जिसमें हमें दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक डाटा और दूसरा है सेलुलर डाटा प्लस वाईफाई। तो वाईफाई वाला सीन ये है कि उसमें सिर्फ हम लोग वाईफाई का ही यूज करके उसे ऑपरेट कर सकते हैं, पर अगर हम लोग सेलुलर डाटा वाला ऑप्शन लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें सिम भी लगा के आप उससे में नेट भी चला सकते हैं। और एक डिसएडवांटेज है इस मिनी 5 में, कहीं भी कॉल नहीं कर सकते हैं और ना ही इसका कोई कॉलिंग फंक्शन के लिए कभी यूज कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, ये एक स्टूडियो स्पीकर के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर एप्पल की तरफ से हमें डुअल स्पीकर्स मिल रहा है, जिसे हम स्टूडियो स्पीकर्स बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा डुअल स्पीकर, इसमें हमें देखने को मिलता है डुअल माइक्रोफोन, जो कि एक सामने की साइड है और एक बैक की साइड है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब अगर इसके हेडफोन जैक की बात करें तो इसमें भी हमें हेडफोन जैक 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, ये तो फिजिकल रिव्यू हो गया, अब आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के रिगार्डिंग अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी एक बहुत अच्छा होना चाहिए कोई भी फोन या फिर आईपैड में। तो सिक्योरिटी का सीन यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसमें हमें मिलता है सामने की तरफ फिंगरप्रिंट, और साथ ही साथ इसमें फेस लॉक एंड अनलॉक फीचर भी अवेलेबल है, जो कि इस फोन को सिक्योरिटी के मामले में बहुत फास्ट करता है। अब आते हैं इसके कैमरे की तरफ, जिसमें लगा गया है 8 MP का कैमरा, और जिसमें अब तक का बेस्ट सुपर स्टडी मोड है एप्पल की तरफ से। तरह तरह की इमोजीज है, तरह तरह के फंक्शंस कैमरे में, एकदम भरपूर एक फुल पैकेज है कैमरे की तरफ से इस आईपैड में। अब आते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ, तो इसमें प्रोसेसर की बात हुआ, जिसमें लगा है एप्पल A12 बायोनिक चिप, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में बहुत हार्ड होने वाला है। और अगर इसमें कोई भी आप डेली यूसेज के दौरान अगर कोई भी हाई यूसेज भी करें, जैसे कि पबजी गेम, आप इसे फुल एक्सट्रीम हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आप अपना एक थोड़ा रिव्यू दे देना चाहता हूँ इस आईपैड मिनी 5 के बारे में, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कैमरा इसमें तो बेस्ट है ही, और गेमिंग की बात करें तो आप इसमें पबजी जैसा गेम हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें A12, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, A12 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है ही, जो कि एप्पल की तरफ से आता है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले तो ये बेस्ट है ही, 7.9 इंच का डिस्प्ले है। और अगर सिक्योरिटी की भी बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट भी है, तो एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है ये फोन, जिसे आप एक बेस्ट टैब में ले आ सकते हैं। और मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा आप इसे परचेज करें। और अगर साथ ही साथ अगर आपको एप्पल पेन का भी सपोर्ट चाहिए, तो आप इसके टॉप वेरिएंट जो कि वाईफाई प्लस सेलुलर डाटा का आता है, उसे परचेज करें, तो उसमें आप एप्पल पेन का भी यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो।